नहीं भाई, शाहरुख खान, शाहरुख खान का सलमान खान, सलमान खान का ऋतिक, ऋतिक का अक्षय, अक्षय का गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह। तो वेलकम, शुक्रिया, धन्यवाद, नवाजिश, आप सब यहाँ पे आए और जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि मैं जो ऐप में करना जा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही ये चीज हो गई है अपने आप ही, रफ्ती ने कर दी है। तो पहले तो वेलकम आप सभी का, दूसरा जो जो भी दिक्कत है उसके लिए दिल से माफी, क्योंकि कुछ कुछ डिसीजन गलत भी होते हैं तो इसका मतलब लाइफ रुक नहीं जाती सबसे पहली बात, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत से डिसीजन होते हैं जो गलत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लें या तकलीफ में बैठ जाएं या फिर हम सोचें कि जिंदगी में कुछ चेंज नहीं हो सकता। जिंदगी में चेंज हो सकता है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 100%। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, आप सब भी अपनी खुद की लाइफ के एग्जाम्पल्स हो। कैसे, अब ये जो भी हुआ इसमें बहुत सी अनहैप्पीनेस हुई होगी, इरिटेशन हुआ होगा, फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? ये जिंदगी का राज है और ये राज को चेंज करने के लिए हमको थोड़ी सी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। करेंगे तो बहुत सी चीजें अच्छी हो जाएंगी, हम वापस हैप्पीनेस स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। ये आपका डिसीजन है कि आप हैप्पी रहें या अनहैप्पीनेस स्टेट में ही रहें। तो शुरू करते हैं, अभी अनहैप्पीनेस जो थी थोड़ी थोड़ी इरिटेशन थी उसको चेंज कर डालते हैं, अभी ये भी काम नहीं कर रहा है। मैं अभी बोल लेना यार, कौन था भाई, इन्हें कृपा की थी। तो दोस्तों इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए जो करना है वो बहुत छोटी सी चीज है जो आप सबको मेरे साथ मिलके करनी है, क्योंकि मैं जो करूंगा वो आप प्लीज फॉलो करो। आप फॉलो करोगे तो ये जो नेगेटिव माहौल एक हो गया है या अनहैप्पीनेस हो गई है इसको हम दूर कर देंगे। और वो ऐप का एक मुद्दा है जो हम आज लॉन्च करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, तैयार हो आप लोग? हम राजे महाराजे, हम ऐसे तालिब जाएंगे, ठीक है? वो तालिब जाते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, और मोबाइल में लग के वो वहां पे लगा, अच्छा वो चल रहा है। ये चीजें सच में होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम स्टेज पे होंगे और सामने वाला अगर ताली नहीं बजाएगा तो हमको मजा नहीं आएगा। तो आज वो स्टेज पे है, मैं इधर दर्शक में बैठा हूँ, तो मैं भी वैसे ताली बजाऊं तो वो खुश होगा, लेकिन वही खुश नहीं होगा, आप भी जरूर खुश होंगे, ये 100%। तो हम ये करने वाले हैं, तैयारी कर लो, क्योंकि जो नहीं करेगा उसको मैं स्टेज पे अपने यहाँ बिठाने वाला हूँ और तब तक बिठाऊंगा जब तक वो वैसी ताली नहीं बजाएगा जैसे मैं बजाने वाला हूँ। तो हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ करना, क्योंकि इसमें एक हैप्पीनेस की बात जो है ना वो आएगी, 100% आएगी, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ। शुरू करें, इधर से आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, क्यों? तो शुरू करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। ओके रेडी, वन बोलना है कि स्टॉप और खड़े होकर चमकाओ, यस,
आपका स्टेट चेंज हो गया। आप करके देखो, आप बैठो सारे ऐसे और आप अपने स्टेट में एक्टर्स तो कर सकते हो। तो मैं अपने स्टेट क्या लेके जरा एक्टर्स तो करेंगे, करिए करो करो। तो मैं आज बता रहा ना वीरे। मैं जोड़ी यहां बता ना। चलो सारे और अपने स्टेट में सारे एक्टर्स इधर आ ही जाओ भैया, उधर आ जाओ। प्लीज कम कम आओ जी, प्लीज आओ। थैंक यू। आइए
ये ऐप जो सिंह जी ने बनाया है या उन्होंने यू नो डिज़ाइन किया है, वो इस हिसाब से है कि जो हम ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहता है या नॉर्मली भी जो मोटिवेशन करता है, यू नो नॉर्मल आज की जनरेशन को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो ये ऐप उसी के लिए है और ये इंस्पायर भी करेगा लोगों को, मोटिवेट भी करेगा और एक वन स्टेप क्लोजर टू ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड। मैं पाजी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये थॉट लेकर वो ये ऐप लेके आए, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि किस मतलब हम खुद के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सोशल कॉज है और ये सोशल मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। अभी जस्ट रिसेंटली मैं मेरे साई शूट कर रही हूँ और अपकमिंग अभी शो आ रहा है, देखते रहिए, वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो ये जो GCS ऐप है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऐप है, जितना भी मैंने सुना है दैट इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी और हम सबको खुश रहना चाहिए क्योंकि डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है और मैं बिलीव करती हूँ कि हैप्पीनेस अगर होती है तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती है और वही मैं फॉलो करती हूँ। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऐप है और हमें इसे डाउनलोड करके ट्राई करना चाहिए। मैं उन्हें बोलूँगी कि लेट्स क्लैप एंड डाउनलोड द ऐप GCS ऐप एंड आई एम श्योर GCS विल बी एकदम हैप्पी ऐप होगा उनकी तरह। तो फिलहाल तो हमारा जो प्ले है दैट्स माय गर्ल, वो अब हिंदी में भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी आप लोगों को हम उसके लिए बुलाएंगे। अब काम शुरू है उस पर बट अक्टूबर में विल बी कमिंग आउट विद दैट्स माय गर्ल इन हिंदी। और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जो मैंने अभी किताब लिखी है फिल्मी चिक, तो उसी को ले कर बिजी हूँ एंड आई होप एवरीवन एंजॉयज फिल्मी चिक। थैंक यू सो मच। GCS के मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा और सुलझा हुआ ऐप सर ने बनाया है और जैसा कि उन्होंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से उन्होंने समझाया कि आज के इस माहौल में, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू के टाइम भी कहा कि खास करके मुंबई की अगर बात करें जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर क्या होता है एक कॉम्पिटिशन के जो मायने हैं वो एकदम डिफरेंट है। कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है कि कोई इंसान अगर चढ़ा हुआ है तो उसे हम कैसे नीचे उतार लें और कैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, आमतौर पर दूसरी जगहों पर कॉम्पिटिशन होता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, तो यहाँ पर इतना जो एक स्ट्रेस है लोगों के बीच में वो उसको दूर करने के लिए आई थिंक ये ऐप कहीं ना कहीं ज़रूर खरा उतरेगा और जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी थैंक यू जी। देखिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, मैंने इस सीरियल के बारे में बहुत सुना था क्योंकि मैं खुद एक यू नो यंग जनरेशन से आता हूँ, तो मैंने कभी लाइफ में सीरियल्स देखे नहीं थे और मुझे पता नहीं था मैं खुद इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हो जाऊँगा किसी दिन। तो जब नागिन 3 की स्क्रिप्टिंग चल रही थी, जब रीडिंग के लिए हम फर्स्ट टाइम एकता मैम के घर पर गए थे, तो जिस तरीके से मैम ने और बाकी जो क्रिएटिव्स उन्होंने नरेट करी थी स्टोरी की ऐसा होने वाला है इस बार, तब से डे वन से मैं बहुत एक्साइटेड था और एकता मैम ने मुझे याद है 5th एपिसोड तक की स्टोरी सुना दी थी एंड शी इज़ लाइक रियली यू नो ब्लेस्ड। और जिस तरीके से वो काम करती हैं, जितनी शिद्दत से पूरी बालाजी टीम काम करती है, मुझे नहीं लगता कोई और प्रोडक्शन हाउस करता है। और हम सेट पे जैसे मैंने बहुत नई नई चीज़ें सीखी, जो हमारे डायरेक्टर हैं रंजन सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसे कहते हैं, उस तरह की बहुत चीज़ें मैंने सीखी। और जो हमारी एंटायर कास्ट है, अनीता, सुरभि, पर्ल और जितने भी लोग हैं हमारे साथ, रक्षंदा मैम, चेतन, हंसराज, इन लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग मेरी हो गई और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। लैला मजनू, फिल्मों की तरफ मेरा रुझान है पर अभी थोड़ा समय और है, मैं चाहता हूँ मैं और थोड़ा सा अच्छे से मैच्योर हो जाऊँ, बिकॉज़ मैं डांसिंग के फील्ड से एक्टिंग में आया हूँ, मैं कोरियोग्राफर था पहले, तो मैं चाहता हूँ और अच्छे से, बिकॉज़ मैंने बचपन में थिएटर्स किए थे पर कभी ये सोच के नहीं किया था कि मैं आगे जाके एक्टिंग एक्टर बन जाऊँगा, एक्टिंग फील्ड में जाऊँगा, पर अभी मुझे थिएटर के जो बेसिक्स हैं वो मुझे बहुत हेल्प मिलती है उनकी,
आगे सीखने के लिए. तो आई रियली वॉन्ट टू डू फिल्म्स, पर अभी थोड़ा सा रुक के मैं थोड़ा सा जो एक्टिंग बेस्ड फिल्म्स होती हैं, जैसे अपने राजकुमार राव करते हैं, जैसे न्यूटन है, इस तरह की फिल्म ज़्यादा करना चाहूँगा बजाय कमर्शियल फिल्म्स की. थैंक यू. फीलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि जब आप देते हैं, गिव करते हैं, तो बहुत ही आत्मिक फीलिंग होती है क्योंकि आप वो काम कर रहे होते हैं जो रब सबके साथ करता है. अभी भगवान कुछ बदले पे नहीं चाहता है, लेकिन वो सबको देता ही रहता है. आप प्रेयर्स करो, आप अरदास करो, तो लोग क्या करते हैं, क्यों जाते हैं भगवान के पास? क्योंकि वो देता है, पर बदले में वो कुछ नहीं चाहता, हम अपनी तरफ से देते हैं. तो इतना वक्त से इतना प्यार मिल रहा है, 10 सालों से इतना प्यार मिल रहा है, तो अब वक्त है देने का. तो इसीलिए वो दे रहा हूँ, तो जब देते हैं तो आत्मिक शांति मिल रही है, तो वो शांति मिल रही है. देखिए मेन मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली ये ऐप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा पूरे दिन में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, इधर ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तकलीफ में होते हैं. लेकिन उस तकलीफ को एक पल में दूर करेंगे और खुशी में आ जाएंगे कि ओ माय गॉड दिस इज़ लाइफ. ये मोमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मोमेंट को लूज़ कर दिया ना तो ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला, ये हम सब जानते हैं. पर प्रैक्टिकली कैसे चेंज करें, तो इसमें प्रैक्टिकली हम उसको चेंज करेंगे. यस यस, आप शॉर्ट फिल्म से देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें यह भी शुरू किया है कि बहुत से लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, ग्लैमर फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते. तो इसमें हम बहुत से लोगों को मौके देने वाले हैं, एक्टर्स को देने वाले हैं, सिंगर्स को देने वाले हैं, डांसर्स को मिलने वाले हैं, इवन फिल्म मेकर्स को देने वाले हैं. तो जिन्होंने भी शॉर्ट फिल्म बनाई है उनकी अच्छी है, उनको एक नहीं मिल रहा जहाँ पे वो इसको शो कर सकें, हम उनको वो मौका देंगे, उनको लोगों के सामने लाएंगे. हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं. अभी तो जस्ट लॉन्चिंग की है, तो इसमें बहुत सारा कुछ करेंगे. और मेरा यही टारगेट है कि यहाँ पे मुंबई में जो लोग आए अपने ड्रीम्स को लेके, हम उसमें वो जो भी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हम करेंगे. और मेरे चाहने वालों, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद. नवाजिश आप हैं तो हम हैं, इसलिए आपने जो ढेर सारा प्यार दिया उसका मैं दिल से कहता हूँ थैंक यू. और मैं दिल से प्रेयर करता हूँ आप सबके लिए कि आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें दूर हों, आप अपने अंदर के अपने भगवान से जुड़ें और आपकी ज़िंदगी में शांति आए और आपकी सारी अच्छी ड्रीम्स जल्दी से जल्दी रब जी पूरा करें. थैंक यू.